प्रदेश में पटवारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पटवारी पिछले 5 दिनों से लघु सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान कानून को और पटवारियों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर दि रेवेन्यू पटवार एवं कानून को एसोसिएशन के सदस्य कलम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं। 3 तस्वीर सिरसा, चरखी दादरी और फरीदाबाद की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पटवारियों की अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो इस वक्त लगातार जारी है। आपको बता दें कि पे ग्रेड बढ़ाने की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही है और ऐसे में पटवारियों के हड़ताल पर जाने से जो काम है वो ठप पड़ा हुआ है। प्रदेश भर में जो है पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है, लेकिन अभी तक जो वो मांग कर रही हैं उस मांग पर सुनवाई नहीं हुई है। पे ग्रेड बढ़ाने को लेकर ये हड़ताल इस वक्त चल रही है। 3 तस्वीर सिरसा, चरखी दादरी और फरीदाबाद से आपको दिखा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर पटवारी कानून गो एसोसिएशन धरने पर बैठी हुई है। लगातार 5वां दिन है। पहले उन्होंने 3 दिन का सांकेतिक धरना दिया था, लेकिन सरकार द्वारा मांग न मानने पर या बात न करने पर उनका धरना अनिश्चितकाल के लिए कर दिया गया। अब कानून को और पटवारियों के धरने पर बैठने के कारण और उनके कार्यालयों पर ताला होने के कारण आम जन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी को अपनी रजिस्ट्री करवानी है, किसी को प्रॉपर्टी आईडी बदलवानी है, किसी को कुछ जमीनी कागजातों का काम है, लेकिन वो अपना काम पूरा न होने के कारण परेशानियों झेल रहे हैं। अब हमें जो काम करवाने के लिए आए हैं, लेकिन पटवारियों को धरने पर देखकर वो वहीं पर आ गए और अपने काम की भी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पटवारी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। अब हम आम लोग से भी बात करेंगे कि वो कहां से आए हैं और क्या कुछ उनकी मांग है, क्या कुछ काम था उनको। जी बताइए, किस लिए आए आप? मैं तो जी 4-5 दिन से लगातार चक्कर लगा रहा हूँ तहसील के, किंतु काल करवाना था पटवारी से और पटवारी हड़ताल पर है। इनके बाद मांग जायज है तो सरकार को इनकी मांग मान लेनी चाहिए। कितने दिन से आप कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति है? कार्यालय में कोई नहीं है, सब हड़ताल पर गए हुए हैं। आप मैंने तो नहीं पूछना है, मान ले मेरी जमीन में कितना मेरा नाम है, कितनी वाह है, यह पूछने की बस। लेकिन पटवारी तो धरने पर है, अब कैसे होगा? वो तो बुझ लिया है ना भाई, यहाँ बनेगा या नहीं बनेगा धरना, ये भी आपका काम बैठे हो कुछ है? क्या सरकार को इनकी मांग मान लेनी चाहिए? मान लेनी चाहिए यार, जो वो तो मानने की तो मानने ही को नहीं। आप किस काम मिले है? अख्तरपुरा गांव से। हाँ जी, इसे जमीन के लिए, ये किला नंबर 10 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पर तो कोई वहाँ पर आता हूँ तो ऐसे का यहाँ पर है नहीं पटवारी, और हड़ताल पर ऐसी है वैसी है। जो आम जन है उनको भी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आकर भी लोग कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। वहां पटवारी न मिलने के कारण सभी वहां के जो अधिकारी हैं लघु सचिवालय में, वो कह रहे हैं कि पटवारी और कानून को धरने पर बैठे हुए हैं, वो उनका काम अभी नहीं हो सकता है। इस बारे में हम पटवारी और कानून गो से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो धरने पर बैठे हैं, क्या उनकी कुछ मांगे हैं और क्या उनको क्या करना चाहिए और क्या उनकी बातें हैं। जी बताइए। हाँ जी, आप धरने पे बैठे हो लगातार, आपकी मांगे क्या हैं और आमजन भी परेशान हो रहा है, अभी हमने आमजन से भी बात की तो क्या कुछ है? हमारी मांगे है कि हमारे जो है पे ग्रेड जो क्वालिफिकेशन के आधार पर हमारा पे बढ़ाया जाए। पिछले काफी लंबे समय से हमारी ये मांग चलती आ रही है और पीछे हमारे को लगभग साल भर पहले डिप्टी सीएम साहब ने आश्वासन भी दिया था कि आपको अगले वित्त वर्ष से आपकी मांग को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन हमारी मांग अभी तक मंजूर। जब तक हमारी मांग लागू नहीं की जाती, जब तक हमारे निश्चित धरने पर रहेंगे। रही बात, पब्लिक काफी परेशान है क्योंकि समाज सेवा हित में हम दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन अभी हमारी भी मजबूरी है कि हम उनके काम फिलहाल नहीं कर सकते। तो हमारी आशा है कि जो शांतिपूर्वक शांति बनाए रखें और हमारी सरकार से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इसको मान करके जनहित को देखते हुए जल्दी ही काम चालू करवाया जाए। पटवारियों का कहना है कि उनकी मांगों को अगर जल्दी मान लिया जाएगा तो इससे जो आम जन की परेशानी है वो भी कम होगी और आम जन के काम करने शुरू हो जाएंगे। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा।
अपनी